भिंड जिला कलेक्ट्रेट में कोरोना काल में दिखी दो बड़ी लापरवाही। भिंड कलेक्ट्रेट परिसर में दो अलग अलग पहलुओं की बात की जाए तो जहां एक तरफ एक पार्टी के नेताओं के द्वारा भिंड कलेक्टर पर 18 मई को फेसबुक पर अजा के खिलाफ असंवैधानिक शब्द लिखने का आरोप लगाया, इसे लेकर एडीएम एवं भिंड पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया जिसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क या तो लगाया नहीं, लगाया भी है तो नाक पर खुला है यानी आधा मास्क लगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं यह तस्वीरें स्वयं नेताओं व अधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया पर आज डाली गई हैं। यह लापरवाही एक पार्टी के नेताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट और एसपी को आवेदन देते समय दिखी, तो वहीं दूसरी ओर आज भिंड कलेक्ट्रेट में स्क्रीनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ जिसमें भिंड कलेक्टर एवं एसपी मौजूद रहे। यहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते देखा गया और उपस्थित भीड़ में कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए थे या आधा अधूरा लगाए हुए थे। इस संबंध में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि यदि शासकीय अधिकारी और राजनेता जो कि इस बीमारी के दूसरों को जागरूक करने की बात करते हैं, ये लोग स्वयं ही लापरवाही करेंगे तो यह ठीक नहीं है। इसी संबंध में भिंड कलेक्टर छोटे सिंह ने कहा कि यह हमारी जानकारी में नहीं है और यदि ऐसा है तो गलत है, उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना खुद के लिए और दूसरों के लिए जरूरी है। सवाल यही उठता है कि क्या कोई भी नियम चाहे वह कोरोना काल का हो या अन्य समय का सिर्फ आम आदमी या कमजोर वर्ग पर ही लागू होता है, नेताओं और अधिकारियों पर क्यों नहीं? आज की यह दो बड़ी लापरवाही कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में नेताओं व अधिकारियों के द्वारा देखी गई और लापरवाही क्यों न दिखेंगी, क्योंकि इन पर कानूनी कार्रवाई करने वाला कौन है? विश्व परेशान है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये दोनों आवश्यक है और पूरी दुनिया इसका पालन कर रही है और कोरोना वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लंबे समय तक ये हमारे बीच में रहेगा, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हमें मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हाथों को धोना बार बार। और ऐसी स्थिति में चाहे वो शासकीय कार्यालय हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे राजनेताओं के आवास हो, कार्यालय हो, उन सब जगह, चाहे सार्वजनिक प्लेस हो, उन सब जगह इन नियमों का पालन होना चाहिए। और चूंकि शासकीय कार्यालयों में तो विशेष रूप से होना चाहिए क्योंकि उन्हीं को ही इस नियम का पालन करवाना है। और जहां तक आपने बात की है कि एक जाति विशेष के रूप में कोई शब्द का इस्तेमाल कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया है, तो मैं आपसे सामान्य तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अमेंडमेंट आने के बाद अनुसूचित जात शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार बोलचाल की भाषा में हरिजन शब्द आ जाता है जिसको एक प्रतिष्ठापूर्ण नहीं बनाना चाहिए। वो भी एक सम्मानजनक शब्द रहा है, हरि का जन यानी भगवान का व्यक्ति, लेकिन अगर उसमें आपत्ति रही लोगों को और अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार आदमी भूल जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लेना चाहिए कि उसकी मानसिकता किसी जात विशेष को अपमानित करने की है, उसके भाव प्रकट हो गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को खासतौर से अधिकारियों को अनुसूचित जात शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। दिया गया है बसपा पार्टी वालों के द्वारा, उसमें कुछ लोग मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सभी को कोशिश ये की जा रही है, सभी लोगों को हम ये समझाई दे रहे हैं कि सार्वजनिक जगह पे यानी घर से बाहर निकलने पे विदाउट मास्क कोई ना निकले और उससे जो है उनकी खुद की भी सिक्योरिटी है और दूसरे की भी सिक्योरिटी है। सामान्य तौर पे लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। अब ये जो ज्ञापन जिसकी आप बात बता रहे हैं, वो ज्ञापन मैंने देखा नहीं है कि वहां क्या पोजीशन थी, लेकिन हमारी समझाई सभी यही है सभी के लिए आपके चैनल के माध्यम से भी कि बिना मास्क के कृपया बिल्कुल भी बाहर ना निकले और भीड़ के रूप में बाहर ना निकले, अन्यथा जो है आपके स्वयं के स्वास्थ्य और आपके परिवार के स्वास्थ्य पर इसका असर हो सकता है। सर, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कार्रवाई तो क्या है कि जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी परिस्थिति थी, कहां पर किन परिस्थितियों में वो आदमी बिना मास्क के घूमता पाया गया, क्या जानबूझ के घूम रहा था या कभी कोई धोखे में कोई कार्रवाई हो गई, तो ऐसी स्थिति होती है। तात्कालिक रूप से ही इसकी कार्रवाई होती है, बाकी और तो कोई ऐसा नहीं है कि बाद में अगर मान लो निकल गया है, चला गया, तो फिर बाद में कोई ऐसी नहीं। जान के अनजान बने हैं, मास्क लगाए हुए थे, उसको नीचे कर लिया था सभी ने। अब देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई लोग जो है बात करते समय मास्क नीचे कर लेते हैं,
लेकिन हमारी फिर भी बार बार आपके चैनल के माध्यम से यही समझाइश है कि मास्क लगाने में आपकी स्वयं की और जो भी व्यक्ति है उसकी उसकी ही सुरक्षा है। अगर वो मास्क नहीं लगा रहा तो उसी के लिए रिस्क है, दूसरे के लिए तो जो है सो है ही, खुद स्वयं के लिए ज्यादा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।